हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नकुल सागर और इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ अपने आईफोन SE को एंट्री लेवल DSLR से। और जैसे कि हम जैसे सभी यूट्यूबर का कहना होता है कि कौन सा कैमरा बेस्ट है और किससे शूट करना बेस्ट होगा यूट्यूब वीडियोस। कामिन आप पहले हम बात करते हैं अपने DSLR की। ये एक एंट्री लेवल DSLR है EOS 3000D, जो कि बहुत बेस्ट कैमरा है। इसका जो मेगापिक्सल है वो है 18 मेगापिक्सल का और इसका लेंस है 18-55mm, जो कि काफ़ी वाइड है और काफ़ी जूम कर सकते हैं इस कैमरे से हम, इसके लेंस से। और इसके अंदर जो इंटरनल माइक है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नॉइज़ जो होती है आसपास की वो क्लियर कर देता है। लेकिन इसमें एक घाटा भी है कि इसके अंदर एक्सटर्नल माइक नहीं लगता है। तो इसमें जो वैसे भी इसका जो इंटरनल माइक है वो काफ़ी बेस्ट है, तो हमें मुझे नहीं लगता कि इसके मुझे एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये एंट्री लेवल DSLR तो इसमें बेसिक चीज़ है, लेकिन अगर कोई बिगिनर है और उसके पास ये चीज़ है तो ये बहुत बेस्ट होने वाला है उसके लिए। इसके अंदर ऑटो फोकस भी है और मैनुअल भी है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है, बुके मोड वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर फ़ोटोज़ के लिए अगर आप ये लेना चाहें तो बहुत अच्छा है और वीडियोज़ के लिए ऑलवेज़ अच्छा रहेगा। और इसमें अगर हम यूट्यूब वीडियो शूट करते हैं तो उसमें काफ़ी वाइड एंगल आता है, जो कि बहुत बेस्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने आईफोन SE की, जिसका कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और ये 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें एक बस थोड़ा घाटा है कि काफ़ी वाइड एंगल नहीं शूट कर पाता, क्योंकि इसमें लेंस नहीं लग सकता जैसे हमारे DSLR में लेंस लग सकता है। तो इस वजह से इसकी जो थोड़ी वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि हम एज अ यूट्यूबर हमें थोड़ा वाइड एंगल चाहिए होता है, ताकि हम थोड़ा सा इस टाइप का थोड़ा सा ही सही लेकिन ऐसा बैकग्राउंड ला सकें। लेकिन अगर बात करें इसकी कैमरा की और इसकी क्वालिटी की, तो बहुत अच्छा है। आईफोन है तो काफ़ी स्मूथ है और 4K वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमें DSLR में उसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, उसमें 1080 25fps में रिकॉर्ड होती है और इसके अंदर हम 4K 30fps के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये है गाइस DSLR की वीडियो, देख सकते हैं आप काफ़ी वाइड है। और दूसरी चीज़ जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो आप ही बताओगे कितनी अच्छी आ रही है। और चलिए अब हम क्या कहते हैं स्विच करते हैं जल्दी से अपने आईफोन में। तो ये है गाइस आईफोन SE, देख सकते हैं आपका कैमरा क्वालिटी कैसी है और ज़्यादा वाइड नहीं है। मैं इसके इंटरनल माइक्रोफोन से ही बात कर रहा हूँ, जो आपको मेरी वॉइस आ रही है वो इंटरनल माइक से ही आ रही है। और सेम मैंने यही DSLR के साथ भी किया था, जो उसकी जो आपने वॉइस देखी वो भी इंटरनल माइक से ही थी। अब आप देखिए किसका इंटरनल माइक ज़्यादा बेस्ट है और किसकी डिस्प्ले क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट है। तो अब आप लोगों पर चलेगा होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कैमरा है, DSLR या फिर आईफोन। अगर मैं अपना सजेशन दूँ तो DSLR वाइड एंगल के लिए बहुत अच्छा है और वीडियो शूट करने लगे काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें आजकल के फ़ोन्स की, मैं SE को नहीं लेते हुए अगर आजकल के फ़ोन्स की बात करूँ, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास बजट थोड़ा कम है तो अपने फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट मैटर करता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, अगर आप ये परचेज़ कर सकते हैं, जो कि इसका प्राइस है 26,000 rupees ओनली, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कैमरा है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और एंडिंग।